यह एक ऐसा म्यूजियम है जो पानी के अंदर है। साल 2009 में मैक्सिको के कैनकर इस्ला, मुजेरस और फ्रंटा न्यूजे के आसपास के पानी में मूसा म्यूजियम की नींव रखी गई थी। यह म्यूजियम साल 2009 में बनाना शुरू हुआ था और साल 2013 में यह बनकर तैयार हुआ। मूसा म्यूजियम की स्थापना कैनकर नॉटिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रोबर्टो डीज अब्राहम और नेशनल मरीन पार्क के निर्देशक जैमे गोजालेज कैनो ने की थी। मूसा म्यूजियम में रखी गई मूर्तियां को एक इंग्लिश मूर्तिकार जैसन डेकियर्स टेलर ने बनाया है। पानी के अंदर बने इस म्यूजियम में 500 मूर्तियां रखी गई है। दुनिया के सबसे अनोखे पानी के अंदर बना मूसा म्यूजियम करीब 1600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कैनकन इस्ला मुजेरियस मरीन पार्क दुनिया में सबसे अधिक दौरा किए जाने वाले पानी में से एक है, जहां हर साल करीब 7,50,000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। मूसा म्यूजियम को देखने के लिए दो तरीके से पानी के अंदर जाया जा सकता है, एक कांच के तल वाली बोट से और दूसरा स्कूबा डाइविंग के जरिए। मगर स्कूबा डाइविंग के लिए एक अच्छा तैराक होना अनिवार्य है। बता दें कि शुरुआत में पानी के अंदर बने मूसा म्यूजियम में सिर्फ 100 मूर्तियां ही रखी गई थी। इन मूर्तियों को पीएच मटेरियल कंक्रीट से बनाया गया है। यहाँ रखी गई मूर्तियां का वजन करीब 120 टन से भी ज्यादा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।